Come on, come on. एक और बार उठाओ, 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 एक और उठाओ। इसको मतलब कि थोड़ा घुमाना पड़ता, नहीं तो ये रो देते है कराने से पहले। आए दे दे, आया हैं दे, इसको घुमाना पड़ता है। हाँ नहीं घुमाएगा तो ये रोएगा, इसको घुमना। Ostifa is noted at multiple level of the dorso lumbar vertebra. लड़की के नाम पे खाली स्किप मारते रहता है ये। देखो बॉडी, देखो ये स्किप मारने वाला लड़का, हमेशा जिम में स्किप मारता है। देखो स्किप मारता है ये। देखो गंदा हो गया बेटा, पूरा गाड़ी गंदा है। इतना छोटे से एरिया में जगह मैं पार्क करता हूँ। आज बहुत बारिश दिया, देखो पूरा गीला गीला हो गया। आज और बारिश देगा। अरे ताला बंद है। चाबी किधर भाई? चाबी तो तूने छुआ, इसको खोलने के लिए। भाई रुक जा, खुल जा, खुल गया। इसको इधर रख दूंगा, ये भी लॉक है। सिस्टम, इसको थोड़ा ठेलना पड़ता, नहीं तो ये अटक जाता है। बारह नंगा दे आगन दे आगन, मम्मी बोरा नहीं ठेल पाएगा, लेट हो गया भाई, बहुत ही ज्यादा लेट हो गया। देखो पूरा रंग होली का लगा हुआ, इधर भी चाबी में भी लगा हुआ है, इधर भी होली का रंग गिरा हुआ। इंजन को थोड़ा, गाड़ी को वॉश कराएगा सोचा हूँ, बट क्या बोलता है वेदर ही देखो ना, ऐसा है कि क्या ही वॉश कराएगा ऐसा लगता है। इतना सा छोटा सा जगह से निकालना, ये खंबा देखो, पहले ये ग्लास टूट चुका था एक खंबा में लग के, जब मुझे आइडिया नहीं था कि इसमें कैसे चढ़ाना है, जब नया नया ड्राइवर था। थोड़ा बैक कर रहा साइड मिरर देख के, फिर थोड़ा आगे लेके जाना पड़ेगा। रुको एक मिनट, एक हाथ का काम वापस करवा दिए। इधर निकालने के लिए दो हाथ चाहिए, जरूर चाहिए। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को स्वागत है, और जो भी नए हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो आज सुबह का मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी लेट हो चुका है, पेशेंट से देखो इधर पानी भरा हुआ है। यहाँ से मेरे को राइट टर्न लेना है, अगर कोई गाड़ी आ रहा है तो पहले ही हॉर्न मार दीजिए, ठीक है। जैसे सिंगापुर में 10 सेकंड पहले, सिंगापुर में क्या है कि 10 सेकंड पहले तुमको हॉर्न मारना पड़ता है, ठीक है। अगर या इंडिकेटर हॉर्न नहीं सॉरी इंडिकेटर मारना पड़ता है, तुम्हें राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा, ठीक है। सो बहुत जोर से बारिश दिया था रात को, बहुत ही ज़्यादा भयानक बारिश दिया था, और थंडरिंग हो रहा था, लाइटनिंग हो रहा था, ठीक है। मुझे तो उससे वो सबसे नहीं डर लगता, मैं तो उल्टा वाल में चिपक के आवाज़ सुन रहा था, मुझे उतना थंडरिंग वंडरिंग से डर नहीं लगता। पर हाँ बाहर होगा तो डरने की जरूरत होगा लाइटनिंग वाइटनिंग से। और मैं हाईवे पहुँच चुका हूँ, नेशनल हाईवे। और चलो कोई, बारिश में एक चीज़ अच्छा है कि लाइक ये रहो, ठीक है। सो बारिश में एक चीज़ अच्छा है कि तुम्हारा क्या होता है, जितना भी धूल मिट्टी है ना हमारा, अभी देखा जाए तो रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया में ये जो गुवाहाटी आसाम है ना, इज द सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड, पोल्यूशन अभी हो रहा है, ठीक है। नंबर वन कहाँ पर बोला था, बिहार है कि क्या है, ठीक है। वर्ल्ड में, वर्ल्ड में, इट्स नॉट अबाउट द इंडिया, ओके, वर्ल्ड में नंबर वन में आ रहा है, सॉरी नंबर टू में आ रहा है हम लोग का गुवाहाटी आसाम। पता नहीं बहुत ओवर कंस्ट्रक्शन होने के कारण हो रहा है, सिविल कंस्ट्रक्शन होने के कारण हो रहा है,
सो जितना भी आर्किटेक्चर ये फ्लाई ओवर ब्रिज बन रहा है ना नया नया, तो फॉर दैट रीजन उसका पोल्यूशन हो रहा है. ये भी हो सकता है बहुत ज्यादा है, ग्लास खोल ही नहीं सकता. सो बारिश के कारण अभी थोड़ा कम हो गया है. देखो अभी बारिश का सीजन है तो अभी डस्ट देखो कहाँ डस्ट है अभी नहीं है ना, तो बारिश देते रहना चाहिए तो पोल्यूशन भी कम होता. और क्या है ना बेसिकली जो पेड़ पौधा है ना हर हाईवे के साइड में लगाना चाहिए ताकि तभी जो धूल है ना इधर में बैठ जाता है साइड साइड में. देखो समझ रहा है, अगर पूरा खुला मैदान होगा तो ऑब्वियसली धूल भी ज्यादा होगा, डस्ट भी ज्यादा होगा. सो मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा इसलिए बोलता है कि जितना हो सके प्लांटेशन करो ठीक है ट्री का, तभी क्या होता है कि हमारा एनवायरमेंट भी अच्छा रहेगा, नेचर भी अच्छा रहेगा और उसके साथ साथ क्या डस्ट ये सब नहीं होगा ठीक है. और मेयर को यहाँ से राइट साइड लेना है इंटीरियर. भाई 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 मेरे को यहाँ से राइट साइड लेना है, लेकिन हमारे आई होप कि पेशेंट अभी तक नहीं आया होगा. ए भगवान चाबी किसके पास है रे, ये भी बंद है, चाबी मेरे पास नहीं है रे. मेरा पेशेंट लोग पहुंच गया था फिर वो दरवाजा तो खुला हुआ है चाबी का. चलो थैंक गॉड, तभी भी मैं पूछ लेता चाबी किसके पास है. बारिश से किचड़ 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 हो गया, सॉरी हम पहुंच गया पहले ही पहुंच गया. अभी बज रहा है देखो 8:15, 8 बजे था बट पेशेंट अभी नहीं आया बारिश का मौसम है बोल के. चलो आप लोग को दिखाता हूँ पेशेंट का वीडियो अगर परमिशन होगा तो ठीक है. चलो अभी मैं ये पेशेंट को देखेगा. चलो बिनाय 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 बेसिकली दिस पेशेंट इज लाइक सीपी पेशेंट, सेरेब्रल पाल्सी है. जो इसका फूट ड्रॉप होके रखा था, देखिए देयर इज अ फूट ड्रॉप. सो डॉर्सिफ्लेक्शन है, लॉस इज इन्वर्शन है. सो स्पास्टिक है कंडीशन बाय बर्थ, बट ये बैठ नहीं सकता था, अभी बैठ सकता है. अभी थोड़ा मोरा क्रॉल भी कर सकता है एंड देर इज ए हैंड स्टिफनेस इन देयर हैंड ऑल्सो एंड बायलेटर मतलब दोनों साइड में इसका लेग एंकल स्टिफनेस है. विनय सो सी देर इज एंकल टो मूवमेंट, इसको क्या है स्लोली स्लोली इसको टी ए स्ट्रेचिंग देना, टेंडन नेकलेस जो टेंडन नेकलेस होता है पीछे की तरफ वो जो शॉर्टन हो जाता है. सो वी हैव टू गिव स्ट्रेचिंग, ओके वी हैव टू डू एंकल टो मूवमेंट. सो बेसिकली सो स्पास्टिक कंडीशन होता है बच्चा लोग को ये टाइम में ड्यू टू नर्व कंप्रेशन इन द ब्रेन ड्यू टू सी पी सेरेब्रल पाल्सी. पाल्सी मीन्स द ब्रेन पैरालिसिस, सेरेब्रल ब्रेन ऑफ द सेरेब्रल जो होता है वो पाल्सी हो जाता है. सो वी आर गिविंग एंकल टो मूवमेंट काइंड ऑफ द टी ए स्ट्रेचिंग, उसके टेंडन नेकलेस स्ट्रेचिंग हो रहा है. ओके सो जितना इसका मूवमेंट फ्री हो जाए जो स्पास्टिक कंडीशन से रिलैक्स हो जाए दैट विल बी गुड एनफ टू बी इन अ नॉर्मल पोजिशन. चो चो इसको मतलब कि थोड़ा घुमाना पड़ता है, नहीं तो ये रो देते कराने से पहले. इसको घुमाना पड़ता है, नहीं घुमाएगा तो ये रोएगा. इसको घूमना, इसको ट्रीटमेंट कराने से पहले घुमाना पड़ता है. दे दे चल जाएगा, शुरू करता है ट्रीटमेंट, शुरू करता है ट्रीटमेंट, शुरू करता है ठीक है, ट्रीटमेंट शुरू करेगा ठीक है ठीक है, ट्रीटमेंट शुरू करेगा ठीक है, नहीं करेगा इसको नीचे जाना है. चल एक और बार घुमा के लाता, चल 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 नीचे जाएगा, नीचे नीचे है ना. चल हो गया, अब ऊपर चल, अब उसको नहीं जाने बोले, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, मुंडी घुमा लेगा देखना. चलो ट्रीटमेंट करने चलते, चल ये देख चो 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 नहीं जाएगा देखा. चलो 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 अब इसका ट्रीटमेंट करेगा, जाओ गया चलो 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 करेगा
अनन बोलो ट्रीटमेंट करेगा, बोलो बैठ पाएगा, बोलो नहीं 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 देखा नहीं करेगा, दे दे चल घूमने जाएगा, चल चल घूमने जाएगा, चल देखा खुश हो जा, दादा 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 हाँ बदमाश, दे दे मैं अभी गाना लगा देगा, गाना गाना ये दे गाना गाना ने बाय बाय टाटा 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 दे टाटा तू लूँगा आ खैना हफ्ते ना था भाई पेशना पेशना ये तेरी पूरा लब भाई Osteophyte is noted at multiple level of the dorso lumbar vertebra. Osteophyte's features suggested the injury. ये माँ बस ही नहीं ये तो एक्सरे से ना? So इसको osteophyte है new bone formation in the spine. Multiple level osteophyte noted multiple level of the dorso lumbar vertebra. Curvature and man under also normal. The vertebra normal height and density. That is special. The map problem man. So. Besi sonja ke gedein pinden kay. Besi sonja ke. Okos manjade. बेलेग जगह उठो अरे क्या बात उठो एक और बार उठो 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 एक और उठो 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 थक गया बेचारा बिंदा अजी भाई बेचारा थक गया कोर स्ट्रेंथनिंग लोअर लिम लेग स्ट्रेंथनिंग सब करके बायलैटरल वीकनेस है नी जॉइंट पूरा लेग्स है देयर इज नो एनी काइंड ऑफ स्पैस्टिक लोअर लिम वीकनेस कोर स्ट्रेंथनिंग मसल्स कोर मसल वीकनेस उफ सो टायर्ड यार बहुत पेशेंट देख लिया एंड लाइक आई लेव ऑन माय लाइक क्लिनिकल पेशेंट ओनली सॉरी अभी एक पेशेंट है उसको देखना है मार्टिना ये कुदिया मॉर्निंग 8 से अभी जस्ट थोड़ा सा बैठने मिला है अभी 2 बजने वाला है आपको दिखा रहा हूँ डेढ़ बज रहा है ये सी 1:30 ये देखो मेरा क्लिनिक का नज़ारा ये बारिश देख के वेदर अभी और बारिश देखा देखो उधर कैसे बादल छाया हुआ है ठीक है और उधर लॉटरी का गेम हो रहा है और मेरा गाड़ी इधर खड़ा है वो देखो पेशेंट लोग जा रहा मेरा 2 पेडियाट्रिक्स पेशेंट ठीक है अभी भी और पेशेंट बचा हुआ है वो देखो और 2 पेशेंट है बारिश देख के कितना पॉल्यूशन कम हो जाता है अभी बहुत जगह भूख लग रहा है इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ घर जाऊँगा पहले कुछ खा लेते हैं अभी ये बस खराब हो गया
आगे खाली खाली रास्ता है अभी। सो देखो ये लोग सेल्फी वेल्फी ले रहा है। पूरा फेस जो पूरा मेसी होके रखा है। देन आई वुड टू टेक, मुझे फिर यहाँ से राइट लेना पड़ेगा, इंडिकेटर दे रहे। चलो पहले मैं घर पहुँचता हूँ, उसके बाद खाओ के देन वो पेशेंट को देखेंगे, फिर उसके बाद आगे का आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। चलो सो जिम के लिए रेडी हो गए गाइस, जा रहा हूँ। सो एवरीथिंग जिम का सामान ले लिया और गाड़ी भी इधर पार्क करके रखा हूँ, पूरा पानी पानी है। सो आज कुछ चैलेंज करते हैं क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मेरा अगर दोस्त लोग आता है सब लोग, तो आज कुछ चैलेंज किया जाए। रुक जा, कुछ ऐसा करते हैं जो ऐसा तो नहीं मारेगा वो लोग, मेरे को भी पता है, बट अगर हो सका तो चैलेंज करता हूँ। और वो चैलेंज होगा पैसा का लालच देना पड़ेगा तभी वो लोग चैलेंज करेंगे। सो देखते हैं। देखो बंद भी नहीं किया चैन, ये देखो देखो दिनियल ऊपर से देख रहे हो, देखो दिनियल मुंडी दिखा नहीं, दिखा रहा। आज पूरा खाली है, पूरा जिम ही खाली है रे, आदमी लोग ही नहीं है। ऊपर जा रहा हूँ मैं, ये भगवान कहाँ से शादी हो गए? कमोन कमोन सो बेसिकली यहाँ पर मैं शोल्डर कर मारा था और साउंड को ऑफ करना पड़ा। फॉर डैट रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पर साउंड बज रहा था पीछे की तरफ, तो गाना बज रहा था। फॉर कॉपीराइट म्यूज़िक के कारण मेरे को बंद करना पड़ा। तो मैं ये ड्रॉप सेट मार रहा था शोल्डर के लिए, ठीक है। सो शोल्डर का डंबल के साथ मारने के बाद ये ड्रॉप सेट मार रहा हूँ विद अ वेट ऑफ 10 kg। सो देखिए कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों आ रहा। जितना हो सके आप आस्ते से धीरे से छोड़िए, तब ज़्यादा प्रेशर लगता है शोल्डर पे। सो रिपीटेशन आप जितना हो सके उतना कीजिए, अब बहुत बेनिफिशियल। सो ऑलमोस्ट डन टुडे। आज शोल्डर था, सो अभी भी लास्ट दो सेट बचा हुआ है। शोल्डर आज मार रहा है, अभी ये लास्ट श्रगिंग है। पूरा डेनियल मार रहा है, श्रगिंग कर रहे हैं, और ये ऑलरेडी टायर्ड हो चुका है। चंदा जी आज पता नहीं, एनर्जी नहीं है इसका। और एक और मरीज लोग बैठा हुआ, वो देखो सब थक गया। हमारा गुरुजी, कमान गुरुजी। पर एक और ये देखो, लड़की के नाम पे खाली स्किप मारते रहता है ये। देखो बॉडी देखो, ये देखो स्किप मारने वाला लड़का, हमेशा जिम में स्किप मारता है। देखो स्किप मारता है ये। तो ऑलमोस्ट डन, अभी दो रह बचा हुआ है, उसके बाद खत्म। हमारी किस्म आई हो ना, बढ़िया बढ़िया। देखो ये वाला सीन मारा स्ट्रगिंग, मेरा और दो रह बचा हुआ है, ऑलमोस्ट डन। उसके बाद हम लोग निकलेंगे, थोड़ा रिफ्रेशमेंट करेंगे, चाय पियेंगे। गाइस जिम से निकल रहा हूँ अभी मैं, ये हाईवे है। सो थोड़ा सा काट के लेके जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। ये थोड़ा सैलून का दुकान है, यहाँ से कुप्चे से निकालूंगा। अगर गाड़ी नहीं लगा तो ठीक है भाई। भाई भाई नहीं लगे, बस निकल रहा।
हमें जाना है वो रोड पार उस तरफ, और मुझे इंडिकेटर मारना पड़ेगा चीचा यार। यार है स्पीड ब्रेकर है बट रुकता कोई नहीं है ज्यादातर तो लोग। भाई भाई अभी कोई नहीं आ रहा ना भाई भाई, यू टर्न मारो चीचा। अब मेरे को यहाँ का इंडिकेटर मारना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे। लॉटरी गेम इधर हो रहा है भाई, कुछ दिनों में रिजल्ट मिलेगा। अपन गाड़ी को इधर ही रखता है थोड़ा सेफली, पता नहीं फिर कोई गाड़ी उड़ी आ जाएगा। ये साइड में वाला होटल में ये लोग घुसा है जहाँ पर बाइक है। चलो बेटे एक मिनट, थोड़ा सा गाड़ी को मिला देता हूँ, कोई गाड़ी उड़ी आना आ जाए। ठीक है रुकता हूँ मैं।